राम राम सही भाइयों को। क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों, जो लोग टाटा HBX की लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही दुखदायी खबर है। टाटा की HBX दोस्तों, इस गाड़ी की लॉन्चिंग डिले हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये पहले अगस्त सितंबर के आसपास लॉन्च होने वाली थी, अब ये गाड़ी दोस्तों नवंबर दिसंबर के आसपास लॉन्च होगी, यानी कि दिवाली के बाद ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। डिले होने का रीज़न तो दोस्तों अभी पता नहीं है, लेकिन ये गाड़ी साल के एंड में लॉन्च होगी। जैसे साल की शुरुआत धुआंधार हुई थी टाटा सफारी लॉन्च करके, वैसे ही दोस्तों टाटा साल की एंड भी बहुत ही ज़्यादा धुआंधार करेगा टाटा की HBX को लॉन्च करने के बाद। तो अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें दोस्तों, फ्रंट में आपको देख सकते हैं गाड़ी एक बिल्कुल ही नए डिज़ाइन में लॉन्च होने वाली है। इसमें आपको टाटा हैरियर वाले DRLs मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, फ्रंट डिज़ाइन की नई ग्रिल मिलने वाली है, 16 इंच के इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। अंदर से दोस्तों गाड़ी बेहद ही शानदार होने वाली है। इंटीरियर में भी दोस्तों आपको टाटा अल्ट्रोस से मिलते जुलते इसमें आपको इंसर्ट्स दिखेंगे, टाटा नेक्सॉन से मिलते जुलते इसमें आपको इंसर्ट्स दिखेंगे। फीचर भी इस गाड़ी में शानदार होने वाले हैं। मैंने डिटेल वीडियो इस गाड़ी की बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, उसका लिंक दे रखा होगा। बाकी दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के कॉम्पिटिशन की बात करें तो इस गाड़ी का कॉम्पिटिशन KUV100 और मारुति की इग्निस जैसी गाड़ियों से होने वाला है। यूँ कह लो कि ये गाड़ी एक सब कॉम्पैक्ट SUV से भी छोटे सेगमेंट की SUV होने वाली है, यानी कि आपको एक SUV वाली फील मिलेगी कम प्राइस में। अब हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस कहीं ना कहीं 5 से 7 लाख की ब्रैकेट के बीच में रखा जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और अगर हम इस गाड़ी की दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो आप सबको तो पता ही है टाटा की गाड़ी है, तो सेफ्टी रेटिंग तो बहुत ही शानदार होने वाली है। बाकी इस गाड़ी के इंजन की बात करें दोस्तों, इस गाड़ी में आपको वही टाटा अल्ट्रोस में मिलने वाला 1.2 लीटर का इंजन मिलने वाला है, जो कि 85 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। ये इंजन आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शन में भी मिल सकता है, और हो सकता है दोस्तों इस गाड़ी में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि टाटा इस इंजन पे काम कर रही है। टाटा का टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। बाकी दोस्तों गाड़ी ओवरऑल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो लोग कम पैसों में एक SUV का सुकून लेना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये गाड़ी परफेक्ट है, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस रेंज भी 5 से 7 लाख के आसपास होगा, और आपको एक SUV वाली फील भी मिलने वाली है। रफनेस और टफनेस दोनों इस गाड़ी में दिखने वाली है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये गाड़ी 2020 के ऑटो एक्सपो में भी दिखाई दी गई थी, यानी कि ये मान लो कि ये गाड़ी का टेस्टिंग 2-3 साल से चल रही है। तो टाटा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस गाड़ी पर काम कर रहा है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये गाड़ी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट टाटा का होने वाला है। जैसे कि टाटा अल्ट्रोज आई थी, जैसे टाटा नेक्सॉन आई थी, वैसे ही दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होने वाला है, लोगों को बहुत पसंद आने वाली है गाड़ी। गाड़ी छोटी होने की वजह से आपको अंदर की इंटीरियर स्पेस थोड़ी सी कम मिलने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी आपको दोस्तों एक कॉम्पैक्ट SUV से भी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, यानी कि स्पेस में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाइट इस गाड़ी की अच्छी खासी मिलने वाली है। हाइट यूँ कह दो कि आपको टाटा की नेक्सॉन जितनी ही मिलने वाली है, बस 19-20 का फ़र्क होगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। टाटा HBX की लॉन्चिंग डिले हो गई है, तो इस साल के एंड में यानी कि दिवाली के बाद ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। ऐसी दोस्तों वीडियो को प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।